नवासी दिव्यांग जनों में सहायक उपकरण वितरित किया गया। जनपद सिद्धार्थनगर सदर तहसील के नौगढ़ ब्लॉक प्रांगण में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना अंतर्गत सोमवार को विशिष्ट आवश्यकता वाले नवासी दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, MR किट, बैसाखी सहित अन्य उपकरण वितरित किया गया। यहाँ उपकरण पाकर दिव्यांग जनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, विशिष्ट अतिथि सदर विधायक श्याम धनी राही, नौगढ़ ब्लॉक प्रमुख रेणु मिश्रा, प्रतिनिधि राजेश मिश्रा, सिद्धार्थनगर नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष SP अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार, जिला दिव्यांग जनशक्तिकरण अधिकारी सिद्धार्थनगर संदीप कुमार मौर्य, नौगढ़ खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी जयंत कुमार द्वारा डुमरियागंज सांसद और विधायक को कल पुष्प गच्छ देकर सम्मानित किया गया और सांसद विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डुमरियागंज सांसद ने कहा कि दिव्यांग जनों ने किसी से कम नहीं है, यह उपकरण दिव्यांग जनों के दैनिक जीवन में सहायक सिद्ध होंगे। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी संदीप कुमार मौर्य ने बताया, चिन्हित दिव्यांग जनों में 60 ट्राई साइकिल, 16 व्हील चेयर, 2 बैसाखी, 7 कान मशीन, 2 MR किट, स्मार्ट सहायक करण का वितरण किया गया। आपका आज नमस्कार, आज नौगढ़ विकास खंड पे दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किया गया और इस दौरान आपको 16 व्हील चेयर्स, 60 ट्राई साइकिल, 7 ईयरपीस, 2 MR किट, 2 हैंड क्रचेस और 2 स्मार्ट केन वितरित किए गए। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार दिव्यांगजनों को 60 साइकिल, 7 कान वाला जो सुनने वाला, और इस तरह से नौगढ़ ब्लॉक में हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेणु मिश्रा और उनके प्रतिनिधि राजेश मिश्रा अध्यक्षता में यहाँ वितरण हुआ, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री दिव्यांग जनों को मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास दिए और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी उन्हें राशन, तो ऐसे लोगों को जो राशन, भोजन और चलने के लिए साइकिल दे करके इन्हें उठाने का काम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इनके जीवन में सहायक क्या होगा ये उपकरण? देखिए, इनके जीवन में सहायक ये उपकरण और जो पेंशन है, ये दोनों इनकी सहायता में इनको लाभान्वित करेंगे। आज सिद्धार्थनगर के कपिल वस्त्र, तहसील के ब्लॉक मुख्यालय के परिसर में उत्तर प्रदेश शासन के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उन दिव्यांगों को, जो प्रधानमंत्री ने विकलांग से उन्हें दिव्यांग माना और कहा ये कोई बोझ नहीं है बल्कि ये वरदान है, ऐसे उन दिव्यांगों को आज इस परिसर में हम और हमारे साथ विधायक श्याम धनी राही जी, ब्लॉक प्रमुख रेणु मिश्रा जी, लोकसभा प्रभारी समीर त्रिपाठी जी, राजेश जी, हम सब लोगों ने 88 उपकरण बांटे, जिसमें 60 ट्राई साइकिल थी, 16 व्हील चेयर था और MR किट 2 था और जो स्मार्ट केन है वो 2 था, जो कान के लिए था वो 7 था और इसी तरह से क्रेचेज 2 था। तो कुल 88 दिव्यांगों को हमारे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग विभाग के द्वारा दिया गया है और आगे इस जिले में हमारा यह प्रयास है कि ट्राई साइकिल की जगह पर इनको मोटराइज ट्राई साइकिल मिले, जिससे कि ये केवल इस ट्राई साइकिल से थोड़ी दूर तक न जा सके बल्कि कचहरी, कोर्ट, अस्पताल, न्यायालय, बाजार का काम कर सके और स्वावलंबी हो सके, जो हमारे मोदी और योगी जी का एक लोगों को स्वावलंबी दिव्यांगों को बनाने का सपना है, उसी दिशा में है हम सब लोग। इसलिए इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, लोकसभा प्रभारी संगठन के लोग हैं, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन में, ऐसा श्री JP नड्डा जी अध्यक्ष ने कहा है और आज इसी दिशा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो रही है और बड़े पैमाने पे 10 लाख करोड़, जिसमें 34 लाख की रोजगार होने की संभावनाएं हैं, लोहिया कला भवन में यहाँ के भी किसी ने 8 करोड़, किसी ने 3 करोड़,
जहाँ सिद्धार्थनगर में निवेश के नाम पे कुछ भी नहीं था, कोई उद्योग नहीं था, लोग राइस मिल, काला नमक चावल, आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में सारे देश के उद्योगपतियों के सामने सिद्धार्थनगर के काला नमक का उल्लेख किया। मैं सिद्धार्थनगर की जनता की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित तौर से इस काला नमक से सिद्धार्थनगर की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है उसको बनाने में सहायक। सर, यूपी पुलिस भर्ती के कुछ परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने आपको ज्ञापन दिया, सर उनकी मांग है कि जो पेपर लीक हुआ था उसकी जांच कराई जाए और निष्पक्ष परीक्षा कराई जाए। मैं, मुझे मिला है, मैं उसके ऊपर निश्चित तौर से इस बात को सूचित करूंगा कि ये जो शिकायत है इसकी व्यापक रूप से जाँच हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इस तरह की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस है। वो नहीं कहीं चाहते कि उसकी शुचिता और पवित्रता पे कोई आ जाए या कहीं कोई लीक हो, और ऐसी कोई घटना होगी तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।